those which divides the number without any living remainder, बिना किसी रिमाइंडर को दिए हुए कंप्लीट डिवाइड करता है. अंडरस्टैंड? जस्ट जस्ट लाइक 24 इज द नंबर एंड द फैक्टर इज 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. दीज ऑल नंबर्स कैन डिवाइड 24 परफेक्टली. ओके, यस सर. वेरी गुड. नाउ यू कैन राइट द फैक्टर ऑफ 36. You all write the factor of 36 in chat box. 1, 2. Sir, 1, 2, 3. Not by word in chat box. You all write the factor of 36 in chat box. First. हो गया सबका? वन टू थ्री फोर सिक्स नाइन 36, 18 भी होगा ना? स्वरित, स्वरित योर आंसर इज रॉन्ग. निकेतन, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36 आर मिसिंग. सात्विक, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 36, 12 इज मिसिंग. आदर्श कुमार, 1, 2, 3, 4, 6, 8. 8 के टेबल में 36 आता है क्या? 8 के टेबल में 36 नहीं आता है. योर आंसर इज ऑल्सो मिस, ऑल्सो रॉन्ग. हिमांशु शेखर, 1, 2, 3, 4, 6, 8. यू आर ऑल्सो डूइंग मिस्टेक हिमांशु. 9, 12, 18 एंड 36. योर मिसिंग, you have written a wrong word. 8. Niketan Yadav, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. That's great. Ayush Priyadarshi, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. These are the some numbers we get from, but some of the students can write the 8 as the factor of 36. How? 8 cannot divide 36. These are the factors of the given number. You all understand? Yes, sir. Suppose yes, समझ में आ गया? Yes, sir. एक और क्वेश्चन बताएंगे. Write the factor of 48 in chat box first. का फैक्टर लिखना है चैट बॉक्स में जल्दी से.
हो गया आप सभी का? वन टू फोर सिक्स, वन टू थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्व फोर्टी एट, 24 इज द मिसिंग। वन टू थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन के टेबल में 48 आता है क्या मिस्टर प्रेम? 13 के टेबल में 48 नहीं आता है, 16 के टेबल में 48 आता है। यू आर ऑल्सो रॉन्ग। वन टू थ्री फोर सिक्स एट, वन टू थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्व सिक्सटीन। लक्की यू आर मिसिंग द टर्म 24। वन टू थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्व सिक्सटीन फोर्टी एट। आदर्स यू आर ऑल्सो मिसिंग द टर्म 24। निकेतन वन टू थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्व सिक्सटीन फोर्टी एट एंड 24। योर सीक्वेंस इज नॉट करेक्ट। चलिए यहाँ हम देखते हैं, फैक्टर ऑफ 48। समझ में आया? आप सभी को समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, देन यू राइट सम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क फ्रॉम दिस टॉपिक। सर कौन से कॉपी में लिखना है? सर बोर्ड की। रफ कॉपी? सर बोर्ड की। सर बनाना भी रफ कॉपी में है? सर बनाना भी रफ कॉपी में है? सर बोर्ड क्लियर नहीं है। These are the five questions. You can solve it in your homework. Right? Sir, इसको अभी बनाना है? अभी नहीं, homework में बनाना है इसको। हम लोग the next topic को discuss करेंगे। ये homework में बनाना है। हम लोग इसके बाद next topic को discuss करेंगे। Okay? लिख लिया आप सभी? नो सर, नो सर, नो सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, कंप्लीट फास्ट। आई हैव डन सर। हो गया? आई हैव डन सर। वेरी गुड, यू ऑल हैव नोटेड डाउन? यस सर, यस सर। Now our next topic is common factor. Our next topic is common factor. Okay? Our next topic is common factor. How many of you know about the common factor?
आप में से कितने लोग कॉमन फैक्टर के बारे में जानते हैं? अरे बेटे आप तो आंसर सही है गलत है रिवाइव भी नहीं देते हो। व्हाट? टेल लॉर्डली, से लॉर्डली। देखिए हम लोग अभी बात करेंगे कॉमन फैक्टर के बारे में। इफ टू नंबर्स, इफ वी राइट द फैक्टर ऑफ द टू नंबर्स एंड द नंबर्स दैट कम्स इन बोथ द नंबर, द नंबर्स विच कम्स बिटवीन द बोथ द नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स। हिमांशु शेखर टेल। यस सर। या What is common factor? Sir, the number which between three. The number which is? The number which is. The number which lie between the two numbers. The number which is common between the two numbers are called the common factors. Suppose. We observe it by giving an example. 12 मेरा बोर्ड साइन कर रहा है। बोर्ड शाइन कर रहा है। लाइट का प्रॉब्लम है नेटवर्क का। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 का 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24, right? And then common factor. Twelve are the common factor between 24 and 12, right? दिख रहा है ना बोर्ड पे सबको? दोनों नंबर क्या है वो? दोनों का फैक्टर? Yes sir. First number is 12 and second number is 24. And the common factor between the 12 and 24 is 1, 2, 3, 4, 6 and 12. हो गया सबका? यस सर। वेरी गुड। नाउ यू राइट अ क्वेश्चन बता रहा हूँ सर। आप जो अभी क्वेश्चन लिख रहे उसको बनाना। सर इसको बनाना है अभी। हाँ अभी बना करके चैट बॉक्स में इसका कॉमन फैक्टर लिखना है। 36 and 48 का कॉमन फैक्टर चैट बॉक्स में लिखना है। पहले इनका फैक्टर लिखिए, फिर दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर निकालिए और कॉमन फैक्टर को चैट बॉक्स में लिखिए।
राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर्स इन चैट बॉक्स. ओके फास्ट, जितना तेजी से आप बना सकते हैं. बन रहा है ना? एट के टेबल में 36 नहीं आता है. सात्विक सा 1 2 3 4 6. नाइन के टेबल में 48 नहीं आता है. 9 and 18 both are wrong. सर 36 का है. These are the common factor 1, 2, 3, 4, 6 and 12. I'm checking 1, 2, 4, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Niketan, you are right. Swarit, 1, 2, 3, 4, 6, 12. You are also right. 1, 2, 3, 6. 1 2 3 6 4 मिसिंग है. आयुष प्रियदर्शी 9 नहीं होगा, 18 नहीं होगा. नाउ यू ऑल नोट डाउन, सभी इसको लिख लीजिए कॉपी में. लिख लिया आप.
सबका हो गया? नो सर। यस सर। सबको लिख लेने दीजिए, लिखिए जल्दी। ओके सर। हो गया सबका? सबका हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको होमवर्क में करना है। दस मिनट। हाँ जी, देख लो, देख लो। These are the five question you have to note down. इसको सॉल्व करना है होमवर्क में, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। सर सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। यस बिल्कुल सर, पर ग्रुप एडमिन रहता है। व्हाट सर, जब रात के टाइम पे से ग्रुप एड ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस रहता है सर। नहीं नहीं, मेरे नंबर पे सेंड करना है, ऑन माय नंबर। सर ग्रुप number. में है? यस ग्रुप में है। हाँ हाँ, शशिकांत लिखा हुआ होगा, शशिकांत सर। ओके सर। I have done sir. Okay. I have done sir. सभी का हो गया? ऑल सबका लिखा हुआ हो गया? यस सर। सब ने लिखा? यस सर। यस सर। देन नाउ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर? यस यस सर। वेरी गुड। यस सर। नाउ वी डिस्कस यस सर। नाउ वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Now we discuss some important points on a common factor. Can anyone tell me about the what are the common factor of two consecutive numbers? What sir? What are the common factor of any two consecutive numbers? What are the common factor of any two consecutive numbers?
एनी ऑफ यू सर? यस। कंजुगेटिव नंबर का मीनिंग क्या होता है? लगातार, जैसे 1, 2, 5, 6, 9, 10, दीज आर द कंजुगेटिव नंबर्स सीक्वेंसली। ओके सर। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर बिटवीन टू कंजुगेटिव नंबर्स? सर वन। वन, यस, वन इज द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन टू कंजुगेटिव नंबर्स, राइट? सबको समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। नाउ वी आवर अनदर पॉइंट इज व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ टू प्राइम नंबर्स? व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ टू प्राइम नंबर्स? सर टू। नहीं सर, ऑलवेज प्राइम नंबर। वन। वन इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन टू प्राइम नंबर्स। Only one is the common factor between two prime numbers. Just like 3 and 5 is a prime number, right? 3 and 5 is a prime number, and only one is the common factor between 3 and 5. Only one is the common factor between 3 and 5. Suppose 7 and 11 are the prime numbers. Here is also only one is the factor between 7 and 11. Understand? Yes, sir. Yeah. Then our point is that if we have Shatvik, boliye. Shatvik, have you any doubts? You raise your hand. Any doubts? Now we come on the topic. If, very good. We come on the topic. Any two prime number. If we have given any two prime numbers, then there is only one is the common factor between two prime numbers. Sabko yaad rahega ye? Yes, sir. Yeah, yes, sir. Very good. You know about the co-prime number? Sir. What is co-prime number? What is co-prime number? Sir, two. Two numbers having common factor one is called co-prime number. दो numbers जिनके बीच का common factor one होगा उसको हम co-prime number कहते हैं. Have cleared it? Two numbers, ध्यान से सुनिएगा definition. Two numbers having common factor one is called co-prime number. Just like 6, 7, 5, 5, 7, 5, 9. These are the co-prime numbers because it have only one as the common factor. Understand? समझ में आया आपको? Yes, sir. Very good. Sir, again, Shippy. You. What? Sir, again, repeat it. Again, now listen carefully. If two numbers having common factor equal to one, two numbers having common factor equal to one is called co-prime number. Right? Example 3, 5, 5, 7, 7, 9, 5, 9, 11, 13. All are the co-prime numbers. समझ में आया सर? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। वेरी गुड। नाउ अगेन, टू नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर इक्वल टू वन राइट।
सर ये थोड़ा रिपीट कर दीजिए। आज हम लोगों ने देखा फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, ने कॉमन फैक्टर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, राइट? यस सर। सारे टॉपिक समझ में आए? यस सर। वेरी गुड। नाउ आप लोगों ने होमवर्क भी कर लिया है? यस सर, हो गया। होमवर्क मिला है ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। यस सर। नाउ वी मीट अनदर डे। सर कल आपका क्लास है ना? हाँ है। वेरी गुड। चलिए हम लोग अब कल मिलेंगे। ओके बाय सर। Have a nice day. Bye, sir. Have a nice day. Bye. Bye. Bye.